मणिपुर में हमारे मोदी जी नहीं गए, हमारे राहुल गांधी, हमारी प्रियंका बहन, वो दोनों भाई बहन ही सपोर्ट करे, वही गए। और हमारे मोदी जी तो आराम कर रहे थे उस टाइम, उनको देश की महिलाओं का कोई चिंता नहीं है सर। महिलाओं के ऊपर जो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है सर, वो तो सारी दुनिया देख रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी को सारी चीज की मालूम है, लेकिन उनकी तरफ से हमको कोई सपोर्ट नहीं है सर। पढ़ाई लिखाई सब में हमको बहुत दिक्कत हो रही है। कोई दिल्ली से आया है, कोई बरगढ़ से आया है, कोई संबलपुर से आया है। हमारे नेक्स्ट प्रधानमंत्री आप ही बनिए, महिला के बारे में आप सोचिए सर। हमारा सिलेंडर जो 300 में आता था, 400 में आता था, अब वो 1000, 1500, कभी दाम बढ़ते हैं कभी। आप ऐसा कुछ करिए सर कि डीजल पेट्रोल का दाम कम हो, और महिलाओं के लिए साग सब्जी बेचने वालियों को भी मुश्किल है और खरीदने वालों को भी मुश्किल है। तो राशन पहले जो हमारा 2000-1500 में आ जाता था, वो अभी हमारा 8-10 हजार रुपया हो जा रहा है। हम भाड़े के घर में रहते हैं, उसका भाड़ा भी इतना महंगा है। लेडीज की कोई चीज कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी रसोई पहले कितनी आराम से चलती थी, जो महंगाई चल रही है उसके बारे में कुछ कीजिए राहुल जी। राहुल जी जो आवाज उठा रहे, वो बहुत अच्छा आवाज उठा रहे महिलाओं के लिए। हम सारी महिलाओं से भी हम विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो राहुल गांधी के लिए आगे बढ़े और आए और अपना वोट का प्रदान राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए करें। बुलाएंगे दिवाली हम मनाएंगे, देश बचा के हम दिवाली खुल जाएंगे, राहुल आएंगे मेरे देश के भाग आज खुल जाएंगे, राहुल आएंगे।